कैरम वगैरह खेले जा रहे। आज बांग्ला में बोली हिंदी तो समझ। हम हिंदी में समझ लेगा। छवि तुलते एजेड लोगों का फोटो सेशन है। छवि तुलते तो खुल लगे। मॉर्निंग गाइज, आज है डे टू और आज हम जाने वाले हैं यहाँ से नैनीताल का साइट सीन करने के लिए। घड़ी में बज रहा है फिलहाल 9:08, 9:30 तक हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, बिकॉज साइट सीन जो है सुबह सुबह अच्छा लगता है। और एज़ पर वेदर, कल रात को थोड़ा फॉगी क्लाउडी एंड बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुका था, फिलहाल बहुत ज़्यादा प्लेजेंट वेदर है। फिलहाल जैकेट पहना हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जैसे टाइम बढ़ेगा 10, 12, 11 बजेगा ऑटोमेटिक थोड़ा गर्मी बढ़ेगा, बट वॉट एवर इट इज़ सो फार सो वेरी गुड। साइट सीन में बहुत कुछ चीज़ें हैं, 1:30 तक खत्म हो जाएगा। बट येस, वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। आई होप आज का व्लॉग आपको कल जैसा ही बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स गो एंड एन्जॉय दिस टुडेज डे टू नैनीताल व्लॉग। लेट्स गो। तो अभी हम जहाँ पे है, इस जगह का नाम क्या है? हिमालय दर्शन। हिमालय दर्शन, एंड ट्रस्ट मी, जस्ट लुक एट दिस व्यू। भाई सच में मेस्मराइजिंग जो वर्ड है ना, तेरे लिए नहीं बना है, नॉट फॉर यू, दिस इज द व्यू। भाई साहब जस्ट लुक एट दिस क्राउड। ओ यू आर ऑल्सो इन क्राउड, कोई बात नहीं यहाँ पे। हाँ माँ, सो यहाँ पे बेसिकली एक व्यू पॉइंट है। अभी एक से बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके आपको ये व्यू दिखाने का। सो फार सो वेरी गुड। सो ये बेसिकली व्यू पॉइंट जैसे मैंने कहा, बट यहाँ पे ये सब करने के लिए लगता है पैसा। कोई बात नहीं, हमारे पास है आईफोन, नो प्रॉब्लम। सो या दिस इज़ अ व्यू एंड राइट नाउ हैव टू गो, तो चलते थोड़ा। Hey, अरे की हेडफोन गंदा जी, कुछ बज नहीं रहा यार। किरे गान गाला हो जा एक टू। अरे छोटी वाली, हेलो। यहाँ पे अभी फोटो सेशन चल रहा है, छवि तुलते एजेड लोगों का फोटो सेशन है। छवि तुलते तो खुल लगे, वीडियो कॉल लगी। सो अभी हम लोग एक दूसरा पॉइंट पे आए, इनफैक्ट तीसरा पॉइंट है, बीच में से एक छोटा सा पॉइंट था। अभी एक फोटो देख रहे हो स्क्रीन पे, ये एक बेसिकली लेक व्यू है। बट अभी जहाँ पे हम आए हैं उस जगह का नाम है खुरपताल लेक व्यू, और पीछे पूरा क्लाउड भरा पड़ा हुआ है एंड ये है, यहाँ से दिखता है खुरपताल लेक व्यू। चलिए देखते कैसा है ये प्लेस। आजा 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 आजा, मैं हूँ प्यार तेरा। यार पहाड़ में आके भुट्टा तो मस्त दिखते हैं। भुट्टा बताइए भैया। आते भैया देख के, मैगी भुट्टा ये सारे पहाड़ का फ्लेवर होता है। पहाड़ में आ रहे हो, भुट्टा मैगी नहीं खा रहे हो, तो फिर घर जाओ, सो जाओ। तो यस दिस इज द प्लेस। ओ भाई कुछ दिख भी नहीं रहा यार यहाँ से, तो पूरा गोरा कागज था। ये मन मेरा पूरा सादा है भाई, कुछ नहीं दिख रहा है बे। ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे तुम तो मेरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। कुछ भी गा रहे, कोई बात नहीं। अभी जो लेक व्यू होने वाला था वहाँ पे कुछ है नहीं, पूरा क्लाउड है, पता नहीं, पूरा क्लाउडी, यू कांट सी एनीथिंग। कीचु तो नहीं, व्हाइट, दिस इज अ व्हाइट पॉइंट, दिस इज अ व्हाइट पॉइंट। अगर आपको क्लाउड्स देखने हैं
यही है स्वर्ग, जाओ कूदो नाचो। सो ये है राजभवन, यहाँ का बहुत ही हाई सिक्योरिटी है। यहाँ पे 250 रुपीज लगा हम लोगों का, 5 लोगों का 50 रुपये। नहीं आप लोगों नहीं दिखा रहे, अब परमिशन लूँगा तभी दिखाऊंगा आप लोग। तो अभी यहाँ पे कैरम वगैरह खेले जा रहे, कैरम चैम्पियन। सो सर लोगों ने कहा कि उनको मत दिखे, तो चलिए हम लोग चलिए सीधा चलते। तो ये इनका रोड है, दिस इज द स्ट्रेट रोड, यहाँ से हमको आगे की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी रोड है और इधर भी, बाय द वे ये पूरा राजभवन है। चलो 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 बाबा चलो, गाइड जब ओ गाइड है अच्छा, हमारे साथ गाइड भी है ताकि समझ पाए हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं। आ रहा है, बोला चलते रहिए, हम आ रहे हैं। पॉकेट रखो उठा पहले। इससे भी एक रोड दिख रहा है लेकिन ये रोड मना किया गया है, यहाँ से मेन रोड है, इसी को फॉलो करने के लिए बोला गया है यहाँ पे, सो दैट वी कैन कंटिन्यू। दिस प्लेस इज कम्प्लीटली साइलेंट, मतलब इतना साइलेंट है कि पूरा नेचर को आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हो लिटरली, है ना प्रियंका? नहीं नहीं कर सकते, चल जा कूद जा कूद जा बे। नहीं नहीं, इतना सुकून, ग्रीन, ग्रीन है ना, शांति। अगर ये राजभवन है तो यही स्वर्ग है। कोई नहीं, बड़े बड़े पेड़ है भाई यहाँ पे, दिस लुक एट दिस प्लेस, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट, अमेजिंग। और ये थोड़ी देर पहले झाड़ खा के आई है, मेरे लिए गिर गया। तो ये राजभवन का मेन गेट है, यहीं से एंट्रेंस, मतलब इतना लंबा रोड चल के आओ या फिर गाड़ी में आओ, देन यू हैव टू गो इनसाइड एंड लुक एट दिस प्लेस, जस्ट अमेजिंग। मतलब सरकारी पैसे में दम तो है ना अभी रे जी, सरकारी पैसा दम तो ऐसे बांग्ला में बोलना पड़ रहा है, वरना गाली खाऊंगा। देखो भाई कितना अच्छा सजा के रखा हुआ है यहाँ पे, पूरा वहाँ पे फ्लावर वावर पूरा नाइस मेंटेन तो अच्छा किया है, ऐसे देश को भी थोड़ा मेंटेन कर लेते तो अच्छा था। अभी जो रोड से आए ना, कमर दर्द हो गया, यहाँ पे चकाचक रोड गंदा। और अभी दादी परसों फीलिंग गुड गुड प्रियंका, यू वांट टू स्टे इन दिस राजभवन? नहीं, तुझे रखेगा अभी कोई नहीं। वो हम लोग बंदर्स को हम अलाउड नहीं करते। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, थोड़ा चिल्लाओ मत। जो भी चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो वो हम लोगों ने तो नहीं बनाया ऑब्वियसली, किसने बनाया? अंग्रेजों को जमाना का चिल्लर हाई हाई। तो ये अंग्रेजों को ने बनाया था, ये किला टाइप कुछ है एक्चुअली, किला था आई थिंक, देख के तो मुझे किला, पुणे में ऐसा किला बहुत सारा है, इसको दिन बाद में शायद राजभवन में कन्वर्ट किया गया है, बिकॉज डिजाइन देख के तो ऐसा ही लग रहा है ना। यस, सनफ्लावर तो अच्छा है लेकिन जैसा मैं कह रहा था ये बेसिकली किला ही था, इसको बाद में राजभवन में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो वॉट एवर इट इज, अच्छा ही है, गरीबों का पैसा मार के खुद का घर बनाता है ना। तू गरीब, मैं नहीं हूँ। तो ये इसका मेन एंट्रेंस है और एंट्रेंस भी तो अच्छा ही है। चलो अभी हम लोग को पीस देंगे, हम लोग पीस सुनेंगे, अभी हमको थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, देखते क्या बोलते हैं, देश के भला सबकी भला, भाड़ में जा स्पीच लेना है, कुछ स्पीच सुनना। अच्छा ओके, यहाँ सबको साथ ले जाना होता है, साथ वापस करना होता है ना, अगर हम लोग रह गए तो क्या होगा। अब देखिएगा सर, मैंने सोचा राजभवन के बारे में आपको सबको एक साथ बताऊंगा, क्योंकि आप लोग आगे पीछे हो गए थे। ये राजभवन जो आप देख रहे हैं ये 2 साल में तैयार हुआ है, 1897 में निर्माण हुआ, 1899 में फिनिश हो गया, 126 साल पुराना है। पहले बताते थे जैसे अंग्रेजों के गवर्नर 6 महीने यहाँ रहते थे, 6 महीने शिमला, उसी प्रकार जब यूपी में था 6 महीने यहाँ रहते थे, 6 महीने लखनऊ, जब उत्तरांचल बना सर 2000 में 3 स्टेट बढ़े झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तरांचल, तो हमारे उत्तराखंड के फर्स्ट गवर्नर थे सुरजीत सिंह बन्नाला साहब, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उत्तरांचल के फर्स्ट गवर्नर थे, उन्होंने ये विजिटरों के लिए 26 नवंबर 2001 को खोला गया सर, उससे पहले पब्लिक के लिए अलाउ नहीं था। पहले बताते थे सीमेंट नहीं हुआ करता था, पहले जैसे उड़द की दाल है, चना है, गुड़ है, चूना है, उसी के लिए सारा बिल्डिंग बना है जो आप लोग देख रहे हैं।
इसका जो फ्रंट है आप लोगों ने देखा, ये बताते हैं लंदन में जो महल है रानी का, बकिंघम प्लेस, सेम उसी की टू कॉपी से बना हुआ है सर। वो बड़ा है, ये छोटा है सर। और मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, बिल्डिंग के अंदर जितना पोजीशन रोज के बाद ही गवर्नर साहब ने पब्लिक के लिए खोल रखा है, मैं आप सभी को दिखाता हूँ, बिल्डिंग के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं रहेगा, बाहर की आलाम में खेल दीजिएगा। मेरा नाम मनोज पांडे है, जो मोबाइल सब जेब में रख लीजिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में गलती से दूर कीजिए। अभी जस्ट हम लोगों ने अंदर से एंटर किया, मतलब बाहर आए, सॉरी अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, जो भी उन लोगों ने कहा, जस्ट अमेजिंग। 200-250 साल पुराना वुडन फिनिश का काम है यहाँ पे। पीछे जो आप किले देख रहे हो वो गवर्नर हाउस है, जैसे मैंने कहा अभी भी चलता रहता है, जब गवर्नर आते हैं तो ओपन होता है, लेकिन अभी के लिए पब्लिक के लिए थोड़ा बहुत ओपन किया हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें बहुत ही सही था यहाँ पे, जो वर्थ इट है। और यहाँ पे उसने कहा कि जो पेड़ आप देख रहे हो देवदारू का है, जब प्लेन ट्रेन में जो पटरिया होता था ना, उसके नीचे जो अभी कहते हैं फिश प्लेट जिसको कहते हैं, वो भी तो सीमेंट में बनने लगे, वो पहले देवदारू से बनते थे, अभी तो सीमेंट का बनने लगे। तो यहाँ पे एक पेड़ ऐसा भी है जो करीब करीब 150 साल पुराने हैं। सो आई एम स्टिल लुकिंग फॉर दैट, कि जो कौन सा वाला 150 साल पुराना है। बाय द वे, ये मेरे को ना मैं हूँ ना का सेट लग रहा है, वहाँ से शाहरुख खान कूद के जाएगा, व्हाटएवर इट इज, जोक ऑफ द पार्ट। एज पर ट्रैवल गाइड यहाँ पे कोई मिलके का शूटिंग हुआ था, हाइला हाइला हुआ हुआ वाला गाना। और जो मैं पेड़ के बारे में बात करता है, 150 साल पुराना, बेसिकली त्रिशूल के शेप में है देवदारू। सो ये वही पेड़ है, ये वाला ऐसे त्रिशूल के शेप में। हाँ, कौन लगे खूब सुंदर, खूब सुंदर। আমার তো মন করছে এখন আমি নাচতে যাব, হাইলা হাইলা হুয়া হুয়া। ঠিক আছে সাহেব, মেরা ডান্স করতে কা মুড হে, হাইলা হাইলা হুয়া হুয়া করेंगे না, নাচ করेंगे। আর ওই লোক তবে अंदर ही नहीं अलाउड है उन लोग का। हां, ये কাশ্মীরের ফুল, তুমি না মার খাবে কোন দিন, ये किस दिन फिट जाएगी ऐसे। কাশ্মীরের ফুল, ফুল ফুল ফাড় কে খাওয়াবে কখন, কাশ্মীরের আমরা সিসিটিভি, ইউ আর ইন সিসিটিভি কন্ট্রোল। ও চোটি মে নজর মারিয়েগা যখন মকান দিখ রহা হুঁ। उसके राइट साइड आइएगा, वो पेड़ के बगल में वो जो चबूतरा जैसा दिख रहा है ना छोटा सा, वो पेड़ नहीं, आदमी खड़े हैं, देखो है? वो आदमी है सामने, कहाँ पे देख नहीं रहे आपको, क्या आदमी है तो सीधा मकान है, हाँ, मकान तो दिखाई वो वाला मकान ना, आदमी नहीं है छोटे। सो हम लोग भी पीछे राजभवन जो है छोड़ के आ रहे हैं, इसका फोटो नहीं जा रहा है, इसका कैमरे में दिक्कत नहीं है, मेरे फोन में प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसा लग रहा है जबकि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, कैमरामैन के साथ कौन है, कैमरामैन झारखा पब्लिक के साथ हाफ देख रहे हैं फ्रॉम नैनीताल, कैमरामैन आबिरा के साथ अभी वही तो फ्रंट में है, रजत एंड प्रियंका। सो या अभी हम देख रहे हैं आप, मस्त कैमरा डॉली में चल रहा है, ऐसे शॉर्ट सिनेमा में दिखा जाता है कैसे कैमरा पैन होके जा रहा है, और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं बकचो, रहने दो, ओके, होप फॉर द बेस्ट के लिए फिलहाल, बाय बाय, मिलते हैं बहुत ही जल्द। हम लोग थोड़ा अभी टायर्ड हो गया, थोड़ा भूख लगा है, यहाँ पे आए थोड़ा आलू का पराठा ट्राई करने के लिए, जो इसको एक्चुअली बहुत पसंद है, आलू का पराठा एंड दीदी को। सो आफ्टर हैविंग आलू का पराठा हम लोग जाएंगे रोपवे में, पहले खा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो शाम हो गया है यहाँ पे, घड़ी में बज रहा है अराउंड 4:30-5, ठीक है, ओके। और हम लोग जाने वाले थे रोपवे, लेकिन अभी हम बस जा रहे हैं नॉर्मल शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, बिकॉज रोपवे 300 रुपये है और वही बेसिक सा व्यू है यहाँ पे, तो हम लोगों ने प्लान को ड्रॉप कर दिया। कोई बात नहीं बहना, तू टेंशन मत रहना, टेंशन में मत रहना, वॉट एवर इट इज, ट्रिप गोइंग गुड, यस, क्या होगा तेरा मेरे बिना, क्या होगा तेरा मेरे बिना, ले ले कुछ लेना है तो ले ले, पैसा तू दे देना। चलो हम लोग पहले घूम लेते हैं थोड़ा सा, फिर थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, वॉट एवर इट इज़। अभी थोड़ा मोमो खाने का मन कर रहा है, बस मुझे किसी ने तो कहा कि यहाँ का मटन मोमो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, सो देखते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हो ना, इट्स एब्सोल्युटली टू मच महंगा, 500-700 का है। अलग जी एस टी सर, आप कुछ बोलिए, ब्लॉग में आपका ज़्यादा योगदान नहीं रहा, बांग्ला बोलो, नहीं तो बोलो, आप हिंदी में बोलिए, हम बांग्ला में समझा देगा, आज बांग्ला बोले हिंदी तो समझ, हम हिंदी में समझ लेगा। किसी को भी GST रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, इनसे जरूर संपर्क ना करें, लेकिन गड़बड़ है दया, बहुत बहुत बड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे कोई GST नहीं दे रहा है, छुट्टी ना दुकान में कोई GST नहीं दे रहा है, GST जोड़ा नहीं,
जब बिल आ रहा है बिना जीएसटी का बिल आ रहा है। गड़बड़ है दया, बहुत गड़बड़ है। दाल काली नहीं, दाल ही काली है पूरी। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। चलो हेलो, कहाँ चले गए? अरे यार हाँ बाबा छिला देते, मेरे भी भूल पर छिला।